नेक्स्ट टॉपिक इज इमोशनल ईएमएफ, इमोशनल ईएमएफ। हमने अभी तक स्टडी किया कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द एनी सर्किट चेंजेस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे लॉ हमें बताता है कि देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन एनी क्लोज सर्किट, अगर उसके अक्रॉस जो है हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इट इज इक्वल टू बी ए कोसाइन थीटा, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको आप चेंज करोगे तो फैराडे लॉ का स्टेटमेंट है, फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी सर्किट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, इज द स्टेटमेंट गिवन बाय फैराडे लॉ। किसी भी सर्किट के अक्रॉस, क्लोज सर्किट के अक्रॉस अगर आप डी फाई बाई डी टी देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। उस सर्किट में क्या आता है, ईएमएफ आ जाता है। अगर उस सर्किट का रेजिस्टेंस आर है तो जो है आई आर आप कह सकते हो। ईएमएफ तो ये आता है, इसके कारण आता है डी फाई बाई डी टी, और करंट जो आएगा इंड्यूस्ड करंट, वो करंट आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, ये वैल्यू है। लेकिन फाई जो फाई है उसको चेंज करने के कितने तरीके हैं हमारे पास। फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे एरिया पे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे एरिया पे, ठीक है। अगर अलोंग द एरिया पैरेलल जा रही है लाइंस और तो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, या आपने डिस्कस किया है थीटा अगर जो है जीरो हो इसके बीच में, थीटा जीरो मतलब किसी एरिया के नॉर्मली लाइंस पास कर रही हो तो थीटा जीरो होता है उस सिचुएशन पे, तो फ्लक्स जो है मैक्सिमम। कहने की बात यह है फ्लक्स आप तीन वेज, देयर आर थ्री वेज टू चेंज द फ्लक्स बी, राइट। इसकी वैल्यू को चेंज करना हो तो तीन तरीके हैं, या तो आप बी को चेंज करोगे तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। नंबर टू आप एरिया को चेंज करोगे, लार्जर एरिया तो नंबर ऑफ लाइंस भी, एरिया का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा। अगर लाइंस को पास करने के लिए आप कम एरिया दोगे तो कम लाइंस पास करेंगे, अगर आप ज्यादा लाइंस पास करोगे एरिया पे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। और नंबर थ्री जो है इट डिपेंड्स अपॉन थीटा, इसका जो फैक्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज थीटा। तो तीन तरीके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के करके इसको जो है उसके कारण जो है जो हम मोशन किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना, ठीक है, उसके कारण जो ईएमएफ जनरेट करना उसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। कैसे, इसके लिए हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करना पड़ेगा। फ्लेमिंग राइट हैंड, अपना हाथ ऐसे करो राइट हैंड, सभी राइट हैंड ऐसे करो अपना राइट हैंड, ये तो ये दिस फोर फिंगर इज फोर फिंगर, इस फिंगर को क्या बोलेंगे फोर फिंगर, ये क्या है थंब, और ये बीच वाला दैट इज मिडल फिंगर, राइट। हंसना नहीं है, नोट करो इसको, ये जो है फिंगर, ये वाली फिंगर फोर फिंगर क्या बता रही है, ये बताती है हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये काउंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना हम यूज करेंगे इसको। और ये जो मिडल वाला फिंगर है, मिडल वाला फिंगर बताएगा करंट, करंट इंड्यूस्ड, राइट। और ये थंब ये पॉइंट करेगा वेलोसिटी, थंब क्या करेगा वेलोसिटी को जो है पॉइंट आउट करेगा, तो इसका यूज करते हैं हम। तो मान लेते हैं दिस इज द डैश, ये क्रॉस जो मैंने लगा रखे हैं यहां पे क्रॉस, ये दिस इज साउथ पोल, द लाइंस आर एंटरिंग इनटू द पोल, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या कर रही है बोर्ड के अंदर एंटर कर रही है, इस तरह से सिचुएशन है ये, द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एंटरिंग इनटू द बोर्ड। अगर डॉट लगाऊं मैं तो लाइंस बाहर निकल गई हैं, दोनों ही सिचुएशन है यहाँ। मेरे पास एक आर्म है, एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, मैंने ये कंडक्टर लिया, अब मैंने इसके थ्रू जो है ये सब चीजें चेंज कर रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें चेंज करके किस तरह से हम जो है ये आम जो है मैंने यहाँ पे रख दिया, इस आम को मैंने मोबाइल आम को यहाँ पे रख दिया, ये सपोज दैट इज आर पी क्यू,
ये मूवेबल आर्म सिंगल वायर मूवेबल पी क्यू, दिस इज आर्म पी और ये वाली साइड का जो है विड्थ कितना है एल, दैट इज एल। तो जब आप इसको मूव कराओगे, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना है, तो इस तरह से अपना हाथ स्ट्रेच कीजिए, इस तरह से ये है डायरेक्शन अंदर की तरफ को जो है, ये फिंगर मुझे डायरेक्शन बताएगी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने इसको मोशन दिया, मैं इसको इधर वेलोसिटी दिया, इधर वेलोसिटी देके क्या करूंगा मैं, पहले मान लो इस ये जो एरिया है, इतना एरिया इसमें कितनी लाइंस एंटर कर रही है, मान लो 100 लाइन एंटर कर रही है, राइट। जब बेटा आप इस कंडक्टर को इधर करोगे या इधर करोगे, तो लाइंस जो है नंबर ऑफ लाइंस इधर करूंगा तो डिक्रीज हो जाएगी, और उधर करूंगा तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज या डिक्रीज क्या है, फ्लक्स का चेंज। इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, तो चेंज इन द फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, इस कंडक्टर में करंट आ जाएगा, राइट। इसमें क्या आ जाएगा, करंट आएगा कौन से डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन भी तो चेक करना है कि क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है करंट, ये मुझे चेक करना है। मेरे पास दो चीजें हैं सिर्फ, क्या क्या है मेरे पास, एक तो डायरेक्शन है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का, और दूसरा मैं मोशन है जो मेरे पास है, वो अपनी मर्जी से मैं मोशन इसका इनवर्ड या आउटवर्ड मोशन दोनों ही साइड में अब जो है कर सकता हूं। तो मोशन के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मोशनल ईएमएफ। तो मान लेते हैं ये जो कंडक्ट फ्री आर्म है, मूवेबल आर्म है, इसको जो है अंदर की तरफ को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और इसको फोर्स लगाया अंदर की तरफ, इधर है फोर्स का डायरेक्शन। तो मैं ये चेक करूंगा जब आप फोर्स लगाओगे तो इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस दिस कंडक्टर। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अक्रॉस चेंज होगा, फोर्स का डायरेक्शन किस साइड है, अंदर की साइड, इनवर्ड, ठीक है। तो पुट योर हैंड्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन थंब का जो है मुझे मोशन बता रहा है, हम अंदर की तरफ इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये जो मेरा फिंगर है ये मुझे क्या बता रहा है बेटा, करंट का डायरेक्शन क्या बता रहा है, ये मुझे क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन मुझे बता रहा है। इसका मतलब नीचे की तरफ करंट चल रहा है, आई जो है नीचे की तरफ चल रहा है। और दूसरी बात, अगर आई नीचे की तरफ चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स एकमुलेट हो जाएंगे पी पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन उससे अपोजिट चलेगा, एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल एकमुलेट हियर, इधर यहां पे नेगेटिव चार्ज एकमुलेट और इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी यहां पे, कौन सी फील्ड आ गई, कौन सी फील्ड आ गई, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक कौन सी फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल। अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस है ई वी और एल में, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी यहां पे, ये लेंथ, इस लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी लेंथ पे, कि ये लेंथ इसके बराबर है, इस लेंथ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज इक्वल टू वी अपॉन एल, वी अपॉन एल, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से। और पोटेंशियल कितना सेटअप हो गया इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल सेटअप होगा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल, E इंटू एल, राइट। अब अगर मैं इसका मोशन बाहर की तरफ कर दूं, आउटवर्ड कर दूं इसका मोशन, तो क्या होगा, अब ये तो करंट का डायरेक्शन ऐसे चल पड़ा क्लॉकवाइज, इसमें जब आपने फोर्स इनवर्ड लगाया, फोर्स आपने इनवर्ड लगाया, देन व्हाट हैपन, फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, करंट किधर आ गया, डाउनवर्ड, राइट। लेकिन अगर आप इसका डायरेक्शन इधर कर दोगे, फोर्स का फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन आपने इधर किया, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ चेंज हो गया, करंट का डायरेक्शन, देखिए करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड तो करंट ऊपर चल पड़ा, ठीक है, मोशन ईएमएफ से। जब आप इनवर्ड अंदर की तरफ ले जाओगे तो होगा क्या, पहले 100 लाइंस मान लो इसमें से निकल रही हैं,
अंदर जब आप ले जाओगे तो लाइंस डिक्रीज होंगी इससे, राइट। व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज, जब कम होगा, जब आप इसको बाहर ले जाओगे तो इंक्रीज होगा, राइट। व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्लोज अंडर द क्लोज सर्किट आर करंट। ये पूरा सर्किट का क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस आर। और इंड्यूस्ड करंट मैं जो है फाइंड आउट कर सकता हूं, आई इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस एन बाई आर, एंड नंबर ऑफ टर्न है, एक ही टर्न है तो मैं इसका वैल्यू 1 बना दूंगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल। अब जो है मान लो आपके पास इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, क्रॉस नहीं दे रखा है, आपके पास डॉट दे रखा है। डॉट का मतलब क्या है, लाइंस बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है, मुझे दो डायरेक्शन माननी होती है। तो ये डॉट जो है, डॉट को हम नॉर्थ पोल मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं। अब जो है अगर मान लेते हैं ये मैंने, मेरे पास ये कंडक्टर है और ये कुछ लाइन मेरे से टेढ़ी लग गई है, तो आप टेढ़ी ना लगाएं, ये मान लेते हैं ये P और ये Q, ये R मान लेते हैं, S इधर भी, ये R और ये S। अब आप मुझे खुद बताओगे डायरेक्शन, यू विल टेल मी द डायरेक्शन। जब आपने इनवर्ड फोर्स लगाया इनवर्ड, तो आपका करंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। बोर्ड के बाहर से देखो, ये फील्ड की लाइंस बोर्ड के बाहर से निकल रही है, अंगूठा मेरा इसकी तरफ है, ठीक है, लाइंस बाहर की तरफ, और मेरी उंगलियां किधर है, अपर, फिंगर्स किधर है, अपर। किधर आएगा करंट, अप आएगा, इधर आएगा अप करंट, राइट। और ये केस इससे अपोजिट हो गया, इससे देखिए कंपैरिजन करिए, इसमें करंट कितना था डाउन, और इसका मोशन इधर था, इसका मोशन इनवर्ड था, तो करंट कितना आ रहा था डाउन। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया और फोर्स अंदर को ही रखा मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट का डायरेक्शन चेंज, करंट का डायरेक्शन चेंज। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन इधर एकमोलेट होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर एकमोलेट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन सेटअप हो गया एंड E इज इक्वल टू अगेन वी बाई एल, ये तो ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपवर्ड डायरेक्शन में है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। इस कंडक्टर के मोशन से आपने ये एरिया चेंज कर दिया, क्या किया, एरिया चेंज किया। पहले 100 लाइंस मानो पास कर रही हैं या 1000 कर रही हैं, इधर करोगे तो लाइंस कम होगी और बाहर ले जाओगे तो लाइंस इंक्रीज, और फिर चेंज होगा फ्लक्स का तो ईएमएफ जनरेट होगा, ये फैराडे लॉ बोलता है, राइट। और माइनस साइन जो है ये भी आपको बताया है, माइनस साइन क्या बोलता है कि ईएमएफ को किसने पैदा किया, डी फाई बाई डी टी ने, और इसी का ये विरोध करेगा, इसी को ये अपोज करेगा, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ, तो ईएमएफ को जनरेट करना है, देर आर थ्री वेज, तीन तरीके, ठीक है, देर आर थ्री वेज, किस तरह से आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हो। नंबर वन EMF generated with EMF generated with, देखिए बेटा फ्लक्स होता है phi is equal to b a cosine theta, b a cosine theta, ठीक है। तो जब लाइन जो है पास करेंगी नॉर्मली, तो थीटा जो है, अगर मैं थीटा 0 डिग्री मान लूँ तो लाइंस नॉर्मली पास करेंगी, तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, फ्लक्स इज बी ए। अब एरिया इसका, ये एरिया कितना आएगा, ये एल लेंथ एल, और ये मैं मान लेता हूँ ये एक्स, ये एक्स एल इंटू एक्स एरिया। Phi is equal to B Lx, Lx।
स्टार्टिंग मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन ही क्रिएट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बी है इस पोजिशन पे, इस पोजिशन पे एक्स इज इक्वल टू बी है और यहाँ पे इस पोजिशन पे दिस इज एक्स इज इक्वल टू टू बी ले लेता हूं, यहां पे जब कंडक्टर का पोजिशन ले जाएंगे तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू बी, यहां पे टू बी। अब ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डीटी, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डीटी, यू विल पुट द वैल्यू हियर बीएल एक्स और ईएमएफ जो आपके पास जनरेट होगा इज इक्वल टू माइनस बी, देखो बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, बी आपने चेंज नहीं किया, लेंथ ये भी आपने चेंज नहीं किया, ये भी कॉन्स्टेंट है, बचा आपके पास डी एक्स बाई डी टी, एक्स की वैल्यू को आप मोशन करोगे जब इसका इनवर्ड और आउटवर्ड दो एक्स का वैल्यू आप चेंज करोगे, राइट, एक्स का वैल्यू यहाँ तक एक्स का वैल्यू चेंज करोगे तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है फ्लक्स कांस्टेंट है, देखो यहाँ से यहाँ तक ले गए कांस्टेंट है, इससे बाहर ले गए तो फ्लक्स क्या होगा, इसके अक्रॉस चेंज हो गया, जीरो है, यहाँ फ्लक्स है ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि फ्लक्स कैसे है, ये कैसे जनरेट हुआ, इज इक्वल टू माइनस बी एल, जब आपने एक्स चेंज किया, देयर इज अ चेंज मोशन किया कंडक्टर को इनवर्ड और आउटवर्ड, एंट्री की यहाँ से, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ एंट्री की, तो क्या हुआ, फ्लक्स जो है इंक्रीज हुआ कंडक्टर के अक्रॉस, तो इंक्रीज हुआ तो इसके अक्रॉस क्या जनरेट हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, तो चेंज करोगे जब आप एक्स को, एक्स को चेंज करने से जो है ईएमएफ जो आया इज इक्वल टू माइनस बी एल और ये वेलोसिटी वी डी एक्स बाई डी टी, तो कंडक्टर की मोशन के कारण चेंजिंग फ्लक्स जब हुआ उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ, राइट, मोशनल ईएमएफ। जब क्या करोगे आप कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, तो इसका जो है अगर आप ग्राफ देख लें, ग्राफ जो है ये सो फ्लक्स को जो है चेंज करने के तरीके जो है फाई को आप चेंज कर सकते हो बी से ए से कॉस थीटा से, तो इस कंडक्टर को सबसे पहले आप यहां रखिए, यहां पे एक्स क्या है, जीरो, एक्स क्या है, जीरो, जैसे आप इसको जो है अराउंड राइट साइड मोशन में करोगे तो इसके अलॉन्ग जो नंबर ऑफ लाइंस एंट्री कर रही हैं इस एरिया में उसका वैल्यू क्या है, क्या होगा, बढ़ेगा उसका वैल्यू, इस तरह से आपने रखा है तो उसका वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, तो जो है इस एक्स इज इक्वल टू बी जब आप यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे आप इसको फोर्स आप बाहर की तरफ लगा रहे हो, आर यू आर अप्लाइंग ए फोर्स, एक्स इज इक्वल टू जीरो आप यहाँ पे लेके एक्स इज इक्वल टू बी, तो जीरो से लेके बी तक फ्लक्स इसके अंदर जो लाइंस है, पहले पांच लाइंस, फिर दस, फिर 1000, फिर जो भी है नंबर ऑफ लाइंस जो है क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज हुआ तो व्हेन एवर फ्लक्स चेंजेस तो ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स और डिस्टेंस का ग्राफ जो है, फ्लक्स का और डिस्टेंस का, तो यहाँ पे जो है एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिस इज जीरो, दिस इज यहाँ पे लो जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ पे बी, यहाँ पे टू बी, यहाँ पे
टू डी। सो दिस इज बी, दिस इज जीरो। क्या किया हमने, इस कंडक्टर को जो है हम पहले यहाँ पे रखेंगे, यहाँ उसके बाद x इज इक्वल टू जीरो, फिर x इज इक्वल टू बी, फिर उसके बाद टू बी, फुल साइकिल लेंगे फिर वापस लाएंगे। तो जब x इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे, तो फ्लक्स इसके अंदर जो, इस कंडक्टर के अंदर जो लाइन है एंटर कर रही है वो भी जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो। लेकिन जो है जैसे जो है कंडक्टर मूव किया, कंडक्टर x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू बी पे मूव किया है, तो नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग दिस एरिया, उसका मैग्नीट्यूड जो है क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, फ्लक्स चेंज हुआ है, तो फ्लक्स चेंज इंक्रीज हुआ है। तो यू कैन से दैट जब जीरो से आप बी तक जाओगे तो ये फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, ये फ्लक्स का वैल्यू इंक्रीज। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू बी से टू बी तक जाओगे, कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, नो लाइन, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो जो है यहाँ पे फ्लक्स जो है यहाँ से एक्स इज इक्वल टू बी से टू बी तक है, फ्लक्स कॉन्स्टेंट आप नहीं चेंज, कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट। और वापिस आओगे तो भी जो है इसके अंदर फ्लक्स एंटर नहीं करेगा, तो भी ये क्या कह रहा है, फ्लक्स इज अगेन कॉन्स्टेंट। जब यहाँ पे वापस आ गया कंडक्टर यहाँ पे, जब आप यहाँ से इधर को चलोगे तो फ्लक्स इसके थ्रू फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, और यहाँ पे जीरो, तो ये डिक्रीज होना यहाँ से शुरू, डिक्रीज होना, तो ये फ्लक्स का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है, ठीक है, मोशनल ईएमएफ। अब आपके पास वेलोसिटी कितना है, ईएमएफ कितना है, ईएमएफ इधर को, ऊपर को ईएमएफ पॉजिटिव और नीचे वाली साइड नेगेटिव, आपके पास ईएमएफ आया माइनस बी एल वी, कितना वैल्यू आया इसका, माइनस ईएमएफ जो है, ईएमएफ इसको मैं मिटा देता हूं, ये ईएमएफ जो है, ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ईएमएफ आया कितना आपके पास, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी एल माइनस बी एल बी माइनस, ई एम एफ का पॉजिटिव वैल्यू इधर ऊपर की साइड और नेगेटिव इधर, नेगेटिव इस साइड, तो ये वाला वैल्यू माइनस बी एल वी, माइनस बी एल वी मोशनल ई एम एफ, माइनस बी एल वी। जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, इसका मोशन जो है जीरो से लेके बी तक हुआ, तो जो है ई एम एफ इसमें जनरेट आया, जनरेट हुआ माइनस बी एल वी। Whenever magnetic flux linked with gross circuit changes induced EMF, और मेरे पास induced EMF is equal to minus d phi by dt और minus b l b, तो minus पड़ा इधर, इधर minus b l x is equal to b तक इसका वैल्यू जो है minus b l b है, minus b l। लेकिन जैसे ही b से बाहर निकले हम, b से बाहर गए, तो इसके थ्रू जो है इसके अक्रॉस कोई flux जो है चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो भी ईएमएफ भी जनरेट नहीं होगा, और ईएमएफ जो है ये लाइन ऊपर, और ईएमएफ जो है यहाँ से टू बी तक गया, कोई फ्लक्स नहीं है, कोई लाइन नहीं है, तो इसके थ्रू जो है फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब आप यहाँ से वापस आओगे तो भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो यहाँ तक जब बी से टू बी पे जाओगे और टू बी से वापस बी तक जाओगे, कोई फ्लक्स, कोई ईएमएफ क्या है, जीरो, ईएमएफ जीरो, इस केस पे ईएमएफ जीरो। अब दोबारा आप वापिस आ गए, यहाँ कंडक्टर यहाँ पे, इसके थ्रू जो है फिर क्या करोगे, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन चेंज होगा, तो चेंज होगा, तो ये डिक्रीज होगा, ईएमएफ जो है ये ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट, अपोजिट आ जाएगी, तो ये डिक्रीज करेगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी अपोजिट साइड में बी एल, दिस वैल्यू इज बी एल, बी एल बी नॉट माइनस बी एल, माइनस बी। जैसे ही मोशन चेंज होगा इसका, इसका मोशन चेंज होगा, तो ये का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इधर जब इसका मोशन होगा, इधर मोशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो करंट किधर है, अपवर्ड। जब आप इसको अंदर की तरफ लेके आओगे तो करंट किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड, करंट किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड। तो पहले जो है
ईएमएफ किस कितना था आपके पास, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, जब आप एक्स इज इक्वल टू जीरो से बी तक गए, जीरो से बी तक गए, तो आपके पास ईएमएफ कितना आया, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज फाइ, व्हाट इज फाइ, फाइ इज इक्वल टू बी इंटू ए, फाइ इज इक्वल टू बी इंटू ए, राइट। और तो ईएमएफ जो है इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, ये बी ले लो बाहर, माइनस बी ले लिया हमने बाहर, और एरिया इसका जीरो टू बी, जीरो टू बी आप गए तो एरिया जो है दिस एल इंटू बी, एल इंटू बी, दिस इज दिस एरिया इज ये एल इंटू बी, दिस इज एल इंटू बी। जो है ये एल तो चेंज नहीं होगा, ये एल आप चेंज नहीं कर सकते, आप क्या चेंज कर सकते हो, आप x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू बी आपने चेंज किया, तो ईएमएफ जो आपके पास आया इज इक्वल टू माइनस बी एल और डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी एल वी मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, तो ये माइनस बी एल वी, माइनस बी एल वी, लेकिन जब आपने जो है डायरेक्शन अपोजिट किया है इसका, तो ईएमएफ जो है पॉजिटिव आ गया, वेलोसिटी का साइन जो है इस डायरेक्शन में है, दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी का ही साइन आप चेंज कर लो, तो ईएमएफ का जो है आपके पास करंट का पोलैरिटी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, राइट, आप रिवर्स डायरेक्शन में, तो आपके पास जो है जब फ्लक्स इसके अक्रॉस जो है डिक्री, ये फ्लक्स क्या है जीरो, बी टू जीरो, बी टू जीरो, फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो ईएमएफ जो है ये पॉजिटिव, राइट, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ जो है नेगेटिव। नेक्स्ट इज, अब ईएमएफ हमारे पास मोशनल ईएमएफ आ गया, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, फ्लक्स हमने शुरू किया था फ्लक्स से, फ्लक्स था मेरे पास बी ए, और मोशनल ईएमएफ मेरे पास आया माइनस बी एल वी, माइनस बी एल वी मोशनल ईएमएफ। अब इस हिसाब पे ये जो आम है इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर फोर्स, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म पी क्यू, फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, मूवेबल आर्म पी क्यू, ये जो पी क्यू आर्म है इसके ऊपर, मूवेबल आर्म है ये, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल, बी आई, ये एल है तो ये भी लेंथ एल है, बी आई एल साइन, अब ये बी और एल आपस में परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री, ये फील्ड अंदर की तरफ है और करंट इधर है और लेंथ भी इधर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है इसके बीच में, तो साइन 90 डिग्री, तो फोर्स मेरे पास आ गया, फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90 डिग्री वन हो गया, आई का वैल्यू आई, अब ईएमएफ मेरे पास आया इज इक्वल टू बी एल वी, ईएमएफ हमारे पास जो आया इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, ईएमएफ होता है आई आर, आर इसका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस, और आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आई इज इक्वल टू करंट हमारे पास, यहां से मैं करंट को कैलकुलेट कर सकता हूं, करंट इज इक्वल टू माइनस बी एल वी डिवाइड बाई आर, माइनस बी एल वी डिवाइड बाई आर। अब हम यहां पे करंट का वैल्यू पुट करेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू बी और करंट का वैल्यू बी एल वी डिवाइड बाई आर, माइनस भी है साथ में और एक वेलोसिटी ये, और फोर्स मेरे पास आ रहा है फोर्स इज इक्वल टू माइनस
ये बी का स्क्वेयर एल वी का स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, दिस इज द फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर एल वी स्क्वेयर बाई आर, ये फोर्स आ रहा है। तो फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म जो है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मूवेबल आर्म जीरो and this is force, तो माइनस ये माइनस इज द माइनस वैल्यू यहां तक, उसके बाद फ्लक्स जीरो, ईएमएफ जीरो, करंट जीरो, तो ये जीरो, उसके बाद ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, इसका वैल्यू फोर्स हमने वो भी बोला आप। तो ईएमएफ हमने निकाला, ईएमएफ हमारे पास आया माइनस बी एल बी मोशन ईएमएफ, करंट आया माइनस बी एल बी बाई आर। अब इस आर्म पे, इस आर्म पे फोर्स जो है माइनस बी स्क्वेयर एल वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, ठीक है। अब जो है हम तो पावर डिसिपेटेड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, पावर डिसिपेटेड पावर इज इक्वल टू एफ वी, एफ वी, अब ये कौन सा पावर है, ये मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल एक्सटर्नल एजेंसी जिसके कारण आपने फोर्स लगाया इसको इनवर्ड या अंदर, राइट, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, वो पावर है ये। तो पावर मेरे पास एक्सटर्नल एजेंसी से जो पावर लगाया मैंने, तो मेरे पास आ गया माइनस माइनस बी स्क्वेयर, दिस इज आपका वैल्यू जो है